नमस्कार एम प्रोडक्शन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्री आदित्य हृदय स्तोत्र हिंदी अर्थ सहित। अगस्त्य मुनि का श्री राम को विजय के लिए आदित्य हृदय के पाठ की सम्मति देना। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम रावणम चाक्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम देवतच्छं समागम्य दृष्टं भाग्यतोरणम उपगम्य प्रविदम राममग्गस्तो भगवतास्तदा। हम अभी इसके अर्थ के बारे में जानेंगे। श्री राम चंद्र जी युद्ध से थक कर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गए। यह देखकर भगवान अगस्त्य मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, राम राम महाबाहो श्रुणु गृष्य सनातनम सर्वनरीनम वत्स समरे विजयिष्यसे। सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जब से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। आदित्य हृदयम् पुण्यम् सर्वशत्रु विनाशयम् जयावहम् जपम् नित्यम् क्षयम् परमं शिवम् सर्वमण्डलमाण्डव्यम् सर्वपाप प्रणाशनम् चिंता शोक पशमन मायु वर्धन मुक्तम। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंडलों का भी मंडल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। रश्मि मत्यम समुद्यतम देवासुरन स्कुतम पूजयशो विवस्वतम भास्करम भुवनेश्वरम। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित है। ये नित्य उदय होने वाले देवता और आसुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी है। तुम इनका देवासुरन मस्कुताय नमः विवस्वते नमः भास्कराय नमः भुवनेश्वराय नमः इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। सर्वदेव
सर्वदेवात्मतको सैष तेजस्वी रश्मिभावना एष देवासुरगण नालोकान पति गबस्ते भिया। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप है। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। ईश ब्रह्म च विष्णु च शिव सदा प्रजापति महेन्द्रो दनद कालो यमो प्रपापति पितरो वसह साध्याश्विनो मुरुतो मुनः वायुर्वेह प्रजह प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकर। ये ही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण पितर वसु साध्य अश्विनी कुमार मुरुदगण मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पूज्य है। आदित्य सविता सूर्य खग पूषा गबस्तीमान सुवर्ण सदृश भानु हिरण्यरता दिवाकर हरिदश्वा सहस्राचिर्य सप्त सप्तिर्मरीचन मन तिमिरोमाथना शंभुस्त्वष्टा मार्तुन कोशुमान हिरण्यगर्भ शिशरस्तनो हस्करो रविः अग्निगर्भोदितः पुत्रः षडः शशिरनाशना योमनाथस्तमोभिधि ऋग्यजवः सामपारगः घनरुष्टिरपः मित्रो विघ्नं विधि प्लवंगम। आतपी मंडली मृत्यु पिंगला सर्वतापन कवि विर्विशो महातेज रक्त सर्वभूत्व नक्षत्र ग्रहताराण मदिपो विश्वभावना तेजस्वामी तेजस्वी द्वादशात्मन नमोस्तुते। इसका हम अभी अर्थ जानेंगे। इन्हीं के नाम आदित्य आदित्य यानी आदिति पुत्र सविता यानी जगत को उत्पन्न करने वाले सूर्य यानी सर्वव्यापक खग मतलब आकाश में विचरने वाले पूषा मतलब पोषण करने वाले गबस्तिमान मतलब प्रकाशमान सुवर्ण सदृश भानु यानी प्रकाशक हिरण्य रेता मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज दिवाकर मतलब रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले हरिद्वश मतलब दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोड़े वाले सहस्रार्ची मतलब हजारों किरणों से सुशोभित सप्त सप्ति मतलब सात घोड़ों वाले मेरी चिमान मतलब किरणों से सुशोभित तिमिरा मथन यानी अंधकार का नाश करने वाले
शंभु मतलब कल्याण के अध: गमस्थान। त्वष्टा मतलब भक्तों का दुख दूर करने अथवा जगत का संहार करने वाले। मातंड मतलब ब्रह्मांडों को जीवन प्रदान करने वाले। अशुमान मतलब किरण धारण करने वाले। हिरण्यगर्भम यानी ब्रह्मा। शशिर मतलब स्वभाव से ही सुख देने वाले। तपन मतलब गर्मी पैदा करने वाले। अहस्कर यानी दिनकर। रवि मतलब सबकी स्तुति के पात्र। अग्निगर्भ मतलब अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले। आदित्य पुत्र षडक यानी अनंत स्वरूप एवं व्यापक। शशिर नाशन मतलब शीत का नाश करने वाले। योमनाथ मतलब आकाश के स्वामी। तमोभेदि मतलब अंधकार को नष्ट करने वाले। ऋग यजुमान और सामवेद के पारगामी। धनुरुष्टि यानी घनी रुष्टि के कारण। अपाम मित्र मतलब जल को उत्पन्न करने वाले। विंध्य विथि प्लवणम मतलब आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले। आतपी मतलब धूप उत्पन्न करने वाले। मंडली मतलब किरण समूह के धारण करने वाले। मृत्यु मतलब मौत के कारण। पिंडल मतलब भूरे रंग वाले। सर्वतापन मतलब सबको ताप देने वाले। कवि मतलब त्रिकालदर्शी। विश्व मतलब सर्व स्वरूप। महा तेजस्वी रक्त मतलब लाल रंग वाले। सर्व बोधो यानी सबकी उत्पत्ति के कारण। नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी। विश्व भावन मतलब जगत की रक्षा करने वाले। तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादशात्मा मतलब बाहर स्वरूप में अभिव्यक्त है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्य देव आपको नमस्कार है। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमाय द्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः। पूर्वगिरी उदयाचल तथा पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। जयाय जय भद्राय हृदये स्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशु आदित्याय नमो नमः। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता है। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुड़े रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्रों में किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप आदित्य के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से
प्रसिद्ध है, आपको नमस्कार है। नमः उग्राय वीराय सारणाय नमो नमः। नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमस्तुते। उग्र अभक्तों के लिए भयंकर वीर शक्ति संपन्न और सारंग सिग्नगामी सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों के विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्य वर्षसे भावस्वते सर्वभाषाय रौद्राय वपुषे नमः। आप ब्रह्म शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण है। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। तमोग्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मते कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषापतये नमः। इसका अर्थ है, आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतज्ञों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप है। आपको नमस्कार है। तप्त चामी कराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमो विनिधाय रुचये लोको साक्षिणी। इसका अर्थ है, आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि मतलब अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा है, तम के नाशक प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी है। आपको नमस्कार है। नाशयतेश वै भूतम तमेव सृजाति प्रभुः पायत्सेय तपत्सेय वर्षतेश गभस्तिभ्य। इसका अर्थ ऐसा है, रघुनंदन ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठता एष चैव अग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणं। इसका अर्थ है, ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल है। देवाच्छ कृतवैच्छेव क्रतुना फलमेव च यानि कृतानि लोकेषु सर्वेषु परम प्रभुः। इसका अर्थ है, देवता यज्ञ और यज्ञों के फल भी
यही है संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती है उन सब का फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। कुच्छेषु कांतरेषु भुवेषु च कीर्तियनं पुरुषः किञ्चिना वसिदति राघव। इसका अर्थ है राघव विपत्ति में कष्ट में दुर्गम मार्गों में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता है। पूजय स्वेनमेकाग्नो देवदेवं जगत्पितं एतत् त्रिगुणीतं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यति। इसका अर्थ है इसीलिए तुम एकाग्रचित्त होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। अस्मिन् क्षणो महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि एव मुक्ता ततो गच्छो जगामस यथा गतम्। इसका अर्थ है महाबाहो तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य यजी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। एतच्छुत्वा महातेजः नष्ट शोको भवतम् तदा धारयामास सुप्रीतो राघव प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जपत्वेदं परं हर्षमावर्तमान् त्रिराज्यं शुचीभूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावण प्रेष्य दृष्टात्मा जयार्थे समुपागमत सर्वयत्नेन महाता ऋतस्तस्य वदे भवत। इसका अर्थ है उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की और देखते हुए उसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। अथ रवीर वदनीरिष्य रामं मुदित मनः परम प्रमाशमानः निशिचरपति सक्षयम् वदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरिति। इसका अर्थ है उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो।
इति श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम् संपूर्णम्।